तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यहाँ पे टेक ज़्यादा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आपका भी जो माई 11 सर्किल एप्लीकेशन है उसको ओपन करना है, तो इनवैलिड सीजन का ऑप्शन इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है। यदि ऐसा आ रहा है तो इस वीडियो में आप आखिरी तक बने रहिए, मैं पूरा तौर तरीका बताऊँगा क्या प्रॉब्लम है, कैसे कैसे क्या है। आइए देर क्यों करें, जल्दी से करेंगे वीडियो को स्टार्ट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करना चाहूँगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएगा ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज दोस्तों देर क्यों करते हैं, जल्दी से करेंगे वीडियो को स्टार्ट और समझते हैं कैसे कैसे क्या करना है। दोस्तों आपको बता दें, यदि माई 11 सर्किल के अंदर आप जैसे ही ओपन कर रहे हैं तो इनवैलिड सेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, इनवैलिड सेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए आइए मैं पूरा प्रोसेस पूरा तौर तरीका आपको बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, इसके लिए सबसे पहले आपकी जो एप्लीकेशन है यहाँ पे माई 11 सर्किल, उस एप्लीकेशन को क्या करना होगा, यहाँ पे इस पर लॉन्ग प्रेस करके और यहाँ से अनइंस्टॉल कर देना होगा। अनइंस्टॉल पे जैसे ही क्लिक करेंगे यह जो एप्लीकेशन है डिलीट हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है इसी एप्लीकेशन का, जो अपडेट वर्जन जहाँ से आपको मिलेगा उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, आपसे ब्राउजर पूछेगा, कोई एक ब्राउजर ले लीजिएगा। ब्राउजर पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से नया इंटरफेस आएगा और यहाँ पे लिखा रहेगा डाउनलोड नाउ, इस पर क्लिक करके अपडेट वर्जन मतलब लेटेस्ट वर्जन जो एप्लीकेशन है माई 11 सर्किल की उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए डाउनलोडिंग चल रहा है और पूरा डाउनलोडिंग होने के बाद आपको क्या करना होगा आइए मैं बताता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो को यहाँ पे पाउज करता हूँ, डाउनलोड हो जाता है, उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे कंटिन्यू करके दिखाता हूँ कि कैसे कैसे क्या करना होगा। अब दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन को हम इंस्टॉल कर देंगे। और इसके बाद हमको क्या करना होगा आइए मैं पूरा प्रोसेस पूरा तौर तरीके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जो है इंस्टॉलिंग हो रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके बाद आपको पूरा प्रोसेस मैं समझाता हूँ कि इनवैलिड सेशन का प्रॉब्लम जो आ रहा था अब कैसे ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपको बताना चाहूँगा जो एप्लीकेशन आपकी थी वो ओल्ड वर्जन हो गई थी और अब यहाँ पर अपडेट हो चुकी है। अगर यही एप्लीकेशन प्ले स्टोर में होती तो आसानी से हम प्ले स्टोर में जाकर अपडेट कर लेते हैं, लेकिन हमको लिंक के थ्रू करना है, एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर नहीं है तो हमको अनइंस्टॉल करके ही दोबारा से इंस्टॉल करेंगे तभी हमको नया मिल पाएगा। इसको ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद आपको क्या करना होगा, अपना यहाँ पे आप जो है मोबाइल नंबर दीजिए और अपना डिटेल्स यहाँ पे देके लॉगिन करना होगा। उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है ओपन हो जाएगी और यहाँ पे सारा कुछ अच्छे से काम करने लगेगा। तो उम्मीद है दोस्तों मेरे द्वारा दी गई वीडियो पसंद आई होगी। यदि इसके अलावा कोई भी जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, मैं आपका हेल्प करने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।